नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग के मध्मदेश्वर में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। मध्मदेश्वर में तीर्थयात्रियों समेत करीब 100 लोग फंसे हुए थे। मध्महेश्वर धाम के प्रमुख पड़ाव गोंडार में मार्कंडेय नदी पर बना पुल बह गया था, जिससे सभी लोग धाम में ही फंस कर रह गए थे। प्रशासन ने नानू चट्टी से रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। सभी फंसे हुए लोगों को पहले रांची पहुंचाया जाएगा। रुद्रप्रयाग के डीएम सौरव गहरवार खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। तो 100 लोग ऐसे थे जो पुल बहने के बाद धाम में ही फंसकर रह गए थे। मध्मदेश्वर धाम है जहां पर हर साल यात्री पहुंचते हैं, लेकिन एक लकड़ी का पुल होने की वजह से उसी को से आर पार जाते थे। लेकिन अब बताया जा रहा है वो पुल नहीं था, 100 लोग फंस गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू हो गया है। इन 100 लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें निकाला जा रहा है। बातचीत करने के लिए संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, तस्वीरें आपने जो भेजी वो हम देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का काम शुरू हो गया है। अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है? ये बता दूं, जो रेस्क्यू अभी वहाँ पे शुरू किया गया है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जो धाम में फंसे हुए हैं, टोटल 100 लोग हैं। कुछ लोग उसमें सबसे अधिक लोग हैं धाम में फंसे हुए अभी, जो अभी नीचे नहीं आए हैं। कुछ लोग अभी ट्रैक पे हैं जो गोंडार के समीप पहुंचने वाले हैं, और गोंडार के समीप पे यहाँ पर जो हेली है, दो हेली लगाए गए हैं। खुद जो डीएम सौरव गहरवार वहाँ पे मौजूद है, मोर्चा संभाले हुए हैं, और धीरे धीरे अब एक एक करके उनको निकालने की कोशिश की जा रही सभी श्रद्धालुओं को। लेकिन अभी जो है कि जो ट्रैक पे ये श्रद्धालु है उनको इकट्ठा किया जा रहा है वहाँ पे, और जब श्रद्धालु वहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे गोंडार के समीप जहाँ पे अभी हेलीपैड जहाँ पे हेली अभी खड़ा है, तो धीरे धीरे करके एक एक करके उनको निकाला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक साल पहले मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त को ये पुल टूटा, जो अस्थायी पुल था वो टूट गया था, और उसके बाद वहाँ पर लगातार इसमें मुख्यमंत्री द्वारा भी आदेशित किए गए थे कि वहाँ से पुल मजबूत बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है कि मध्मदेश्वर धाम की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, और उसके साथ ही गोंडार गांव के लोग वहाँ पर हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल कई घंटों से जिले से दोनों मध्मदेश्वर धाम का भी और गोंडार गांव का भी संपर्क टूटा हुआ है। तो कहीं ना पीडब्ल्यूडी बहुत बड़ी लापरवाही से कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी सोए हुए थे, और एक साल बाद अब उनको जागने का मौका मिल रहा है जब लोग वहां पे फंस गए हैं। जी आप संदीप, जो मध्मदेश्वर धाम है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, और चूंकि आप कह रहे हैं कि साल भर पहले ही कहा गया था कि हो सकता है ये पुल टूट जाए, दिक्कत आए, लेकिन तब नहीं सोचा गया था। अब जब ये पुल टूट गया है, 100 लोगों का भले रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनके लिए क्या? जी बिल्कुल, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उनके लिए, क्योंकि उनका खाद्यान्न से लेकर हर रोजमर्रा की सामग्री यहीं से उनकी सप्लाई होती है, खुद पैदल करके लोग यहाँ से ले आते हैं, और इसके साथ ही जो उनका उखीमठ ब्लॉक है जो जिला मुख्यालय से जोड़ता है पूरे गोंडार गांव को, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या। और लोग पिछले, मैं आपको ये बता दूं, बड़ी खबर ये भी है इसमें कि पिछले 15 दिन पहले लोगों ने इनको बता दिया था कि पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी की पुल की स्थिति ठीक नहीं है, ये टूट सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी द्वारा बड़ी लापरवाही यहाँ पे की गई है, और इतनी गंभीर लापरवाही ये है कि आज पुल टूट चुका है। लगातार मौसम खराब है, बारिश हो रही, हाई एल्टीट्यूड इलाका है, हिमालयी क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं हिमालय क्षेत्र में लगातार यहाँ पे बारिश होती है, और कहीं भी स्लाइडिंग जोन हो सकता है, कभी भी कोई चट्टान की बिल्कुल, तो परिस्थिति बेहद विकट है। जो लोग वहां फंसे हैं उनका तो रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन जो इस एरिया में रहते हैं उनके लिए क्या, क्योंकि बारिश अब भी हो रही है, अगर वहां पर स्थिति सुधारने की कोशिश भी की जाएगी तो अच्छा खासा वक्त वहां पर लग सकता है। लोगों की परेशानी अभी आगे और बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।